नमस्कार दोस्तों, सिल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं ब्रैकेट की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इस पे, बट आश्चर्य की बात यह है कि उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस जितने भी शेप्स हैं, जो मेन शेप्स हैं बॉक्स कलवर्ट के, सारे बना रखे हैं। रिंग का अरेंजमेंट भी बता रखा है, ब्रैकेट की कटिंग लेंथ भी बता रखी है, शीयर की भी बता रखा है, उसमें हंच बार की कटिंग लेंथ भी बता रखी है। जिस नाम का जो वीडियो है उसका नाम जो है इम्पोर्टेंट शेप्स आप BBS, लेकिन उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल वीडियो चाहिए लोगों को, तो मैं इंडिविजुअल वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसमें हम लोग ब्रैकेट की कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी वो सीखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको, देख लीजिए, ब्रैकेट बना रखा है और अब हम इसकी कटिंग लेंथ निकालना चालू करेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल हैं, आपको बस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाना है। इतना सा आप जो है काम कर लीजिए। अब चलिए वीडियो पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रैकेट की कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं, देखिए 400 mm की ये जो हिस्सा है ये स्लेब का है, और ये 500 का यहाँ पे वाल का हिस्सा है, और उसके बाद में ये 300 mm का ऐसे ऑफसेट निकला हुआ रहता है। आप सभी जानते हैं 300 mm की हाइट रहती है जहाँ पे हमारी अप्रो स्लेब आती है, और फिर ये 300 mm की हाइट ऐसे रहती है, और फिर ये जो स्लोप जाता है ये 300 की हाइट में रहता है। तो कुछ इस टाइप से जो है ब्रैकेट रहता है। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों को ये इस तरीके से जो है ब्रैकेट का एक बार होता है, इसकी हम लोगों को रेनफोर्समेंट की इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। तो मान लीजिए कि ये एल जो है हमारा BBS में दिया हुआ है 300 mm का, जो ये वाला एल है इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए ये 300 mm का यहाँ पे एल दिया हुआ है। अब हमको चाहिए एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला तो यहाँ पे 150 या 200 mm ऐसा कुछ रहता है, हम इसको 200 mm मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और अब यहाँ पे हमारे पास बचती है ये और ये कटिंग लेंथ, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। तो अब सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या होता है यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे ब्रैकेट को फिक्स करते हैं, उसमें जो रिंग लगाते हैं, जो रिंग रहती है उसकी, या स्टिरप्स रहते हैं ब्रैकेट के, उसको लगाते हैं, तो वो यहाँ हम लोग बाहर से लगाते हैं, वो यहाँ बाहर से ऐसे लगते हैं ऐसे, फिर ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगता है, और एक हाथ शायद यहाँ पे लगता है इस तरीके से, यहाँ पे जो है रिंग्स लगती है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे तीन रिंग ही रहती है, शायद ये नहीं रहती है, हम इसको हटा लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ रिंग रहती है और इस तरीके से जाती है और यहाँ पे आके और फिर यहाँ बाहर से लगती है वो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग अंदर से जो है रिंग फंसा नहीं सकते उसको, जिस तरीके से लगाने के लिए बोला जाता है अंदर से रिंग उस तरह से लग नहीं सकती, इसलिए हम लोग बाहर से लगाते हैं। तो मान लीजिए अभी 10 mm की रिंग है यहाँ पे, 10 mm की रिंग हम लोग कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे कि 10 mm की रिंग है, तो हम लोगों को इधर से 10 mm और यहाँ पे ये वाली लेंथ में हम लोगों को घटा के चलना पड़ेगा, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, मान लीजिए इधर में 50 mm कवर है, ये 50 mm कवर इधर मान लेते हैं, और इधर में जो है हम लोग 75 mm कवर मान लेते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इधर से 75 mm माइनस करना है और इधर से हम लोगों को 50 mm माइनस करना है। ये वाला रिंग इधर में आएगा चलेगा, लेकिन ये इस साइड में यहाँ पे बाहर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी कटिंग लाइन निकालते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे 500 mm है और ये यहाँ पे 300 mm है, तो टोटल मिला के होता है 800 mm। तो यहाँ पे 800 mm यहाँ पे टोटल होता है, इसमें से हम लोगों को 75 mm ये कवर माइनस करना है और यहाँ से 50 mm कवर ये माइनस करना है। तो ये दो कवर हम लोगों को माइनस करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या निकलेगी वो देखते हैं। 800 - 75 - 50, तो ये निकलेगी 675। तो ये 675 यहाँ पे इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी लेंथ निकली ए की। तो यहाँ पे हम लोग ए की लेंथ लिख लेते हैं। देखिए क्रॉस वेरीफाई करते जाइए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दो वीडियोस में मैंने मिस्टेक कर दी है, बस बोलने पे ही मैंने वैल्यूज चेंज कर दिए, मैं कुछ बोला कुछ और हूँ शुरू में, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन कुछ और किए, इस तरीके से कुछ हो गया है दो वीडियो में, तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो तो उसको इग्नोर करिएगा। मैंने नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेशन शीट भी अपडेट कर रखी है, तो उसको देख के क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए।
तो अब यहाँ पे 675 यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, इसको एक बार वो चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पे 800 प्लस 300 टोटल 800 है, यहाँ से 75 mm कवर माइनस किया, इधर से 50 mm कवर माइनस किया, और उसके बाद में 10 mm और माइनस करना रह गया है जो हम लोग भूल गए हैं, ये रिंग का। तो यहाँ पे 665 mm यहाँ पे इसका लेंथ बनेगा, तो 665 ये वाला बन गया, 665। अब निकालना है हम लोगों को बी। बी निकालने के लिए यहाँ पे इजी फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी वीयूपी के हांच में बताया है। वीयूपी के हांच का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है करना, बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद में उसकी कटिंग लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ से जो ये वाला हाइट होता है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या आंसर आता है। तो वो जो फॉर्मूला था ऑफसेट निकालने लिए, ऑफसेट का मान लीजिए ओ, तो ओ का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास में था सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा हॉरिजेंटल के साथ में, जो भी एंगल उसके साथ अगर आप लोग निकालेंगे, जो भी आपका डिफरेंस आएगा निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से वो आ जाएगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये देखिए 300 बाय 300, ये देखिए ऐसे 300 और ये 300, मतलब 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हम लोगों को लेना है। तो 1 माइनस 45 ऑफ कोस थीटा ये करते हैं तो आता है 292 डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद में 45 ऑफ वापस से कोस थीटा हम लोग करेंगे तो ये आता है 0.414 इंटू 75 mm कवर है ये करते हैं तो 31 mm यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, और एक मैंने इजी मेथड भी इसकी बता रखी है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे करना है तो बस आप ये 45 डिग्री अगर एंगल है तो आप याद रखिए कि 50 mm पे 20.71 यहाँ पे ऑफसेट बनता है। अगर 20.71 यहाँ पे ऑफसेट बनता है तो इससे आप लोग जो 75 mm कवर कराएगा वो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 50/75 इक्वल टू 20.71 डिवाइडेड बाय एक्स। इस फॉर्मूले से आप लोग कंपेरिजन करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन 75 mm के लिए कवर क्या आएगा, वो जो मैंने अभी निकाला है 31 mm आंसर वही आएगा। तो हम लोग 31 mm यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए ऊपर से यहाँ से कितना माइनस करना है, मान लीजिए ये ऊपर वाला हम लोगों को कवर जो है टॉप फेस का जो स्लेब वाला कवर होता है वही कवर यहाँ पे जनरली होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 50 mm कवर है तो 50 प्लस 31 टोटल मिला के 81 हम लोगों को माइनस करना है, किस में से 300 में से। तो बी की वैल्यू जो है 219 mm यहाँ पे आ जाती है, 219 mm यहाँ पे इसकी बी की वैल्यू आ जाती है। अब निकालना है हमको सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो है ये 665 mm है तो ये वाला भी 665 mm होगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल ये और ये बिल्कुल पैरेलल है, तो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो 665 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो अगर हम लोग इसको 665 को यहाँ पे cos 45 से डिवाइड करें, देखिए ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो बी बाई एच इक्वल टू cos थीटा, तो हमारे पास में b है तो हम लोग b डिवाइडेड बाय cos 45 करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को सीधे सीधे 665 डिवाइडेड बाय 45 ऑफ cos थीटा हम लोगों को निकालना है, तो ये आता है 940.45। तो हम लोग इसको 940 राउंड फिगर करके मान लेते हैं, तो यहाँ पे 940 mm यहाँ पे इसकी वैल्यू आई। अब इन सबको हम लोग सम अप कर लेते हैं, तो हमारे पास में सम एशन क्या क्या आएगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी
प्लस 300 और प्लस 200 जो हमारे एल है दोनों, वो दोनों जो भी एल है 300 और 200 दोनों एल, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे कितने बैंड है देखिए, तो है 45 डिग्री का, ये है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे बैंड डिडक्शन नहीं होगा, और ये है यहाँ पे 90 डिग्री पे बैंड, इसलिए डिडक्शन यहाँ पे होगा, और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड है इसलिए यहाँ पे भी डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल मिला के 4D माइनस होता है, तो हम यहाँ पे 4 इंटू मान लीजिए हमारा 12 mm का यहाँ पे इसका ये बार है 12 mm का, तो 12 mm का अगर बार है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो गई, 665 प्लस B की वैल्यू हो गई 219 प्लस C की वैल्यू हो गई 940 प्लस 300, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ही है, 200 माइनस 48, तो इन सब की मिला के और कटिंग लेंथ यहाँ पे क्या बनती है वो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आती है। तो अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 665 प्लस 219 प्लस 940 प्लस 300 प्लस 200 माइनस 48, तो ये बनता है 2276, तो 2276 mm यहाँ पे हमारी इसकी कटिंग लेंथ हो गई है। तो ये आती है इसकी कटिंग लेंथ ब्रैकेट की। इजी था निकालना, पहले भले आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, जैसा हंच बार फॉर्मूले में होता है वैसा ही इसमें भी है, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि बार बार मुझे वीडियोस ऐसे टॉपिक पे बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को एक बार समझ में आ गया है, एक बार ट्रिक आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो आप लोग आगे का भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही था बताने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए और शेयर पे क्लिक करके व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक जितने भी अकाउंट है आपके पास में सब पे उसको शेयर कर डालिए ताकि लोग देख सके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं वो। तो यहाँ पे खत्म करते हैं वीडियो को, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।